नमस्कार दोस्तों, आज के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, आपकी अपराड़ा होम्योपैथी शिवालय अनुसंधान केंद्र की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम आपकी डाइट के बारे में थोड़ा सा पौष्टिक भोजन से कौन कौन से हमें लाभ मिलते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। खान पान की आदत के बारे में आप क्या लोग सोचते हैं? डॉक्टर भी यह मानते हैं कि जो लोग कम फैट वाला खाना खाते हैं, जिसमें रोजाना कम से कम 7 प्रकार के फल होने चाहिए और सब्जियां होनी चाहिए, उन्हें सांस संबंधी कई फायदे होते हैं। अब उसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अगर आप खाते होंगे रेगुलर फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको नॉलेज बढ़ा देता हूं, मैं बता देता हूं कि अगर आप ये रेगुलर खा रहे हैं तो फिर भी आपको काफी भारी मात्रा में आराम मिलेगा, आपका वजन कम होने लगेगा, फैट लॉस में काफी कम करता है अगर आप ये चीजें खाते हैं। आपको लो फैट खाते हैं, हाई प्रोटीन खाइए, लो फैट है और आप लो फैट है और लो कार्बोहाइड्रेट खाइए तो आपका पौष्टिक भोजन में इंक्लूड रहता है। डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, हार्ट संबंधी जो खतरे होते हैं उसमें कमी आ जाती है आपकी, सभी प्रकार के कैंसर के खतरे में कमी आ जाती है, ब्लड प्रेशर का खतरा भी आपका कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने के खतरे में भी कमी आ जाती है, आपका इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ जाता है, इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि होती है और ऊर्जा और एकाग्रता क्षमता में आपकी वृद्धि होती है। तो पौष्टिक खाना अगर आप खाते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी दवा जो होती है, कोई भी परिस्थिति की आप दवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा असर उसमें करने लगती, फायदा होता है। पौष्टिक भोजन जीत जीत की स्थिति होती है। अतिरिक्त पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं जिसमें आपको बता देते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा पोषक तत्व तो लेते हैं तो उसमें आपके बारे में यही सब चीजें जो होती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता को बढ़ा देती हैं, एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र की क्षमता को बढ़ा देती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की जोखिम जो उसका डिजीज से संबंधित प्रॉब्लम होती है उसको कम कर देती है, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, कैंसर की आशंका में कमी आ जाती है, अर्थराइटिस मोतियाबिंद के खतरे में कमी आ जाती है, मेकुलर रीजनरेशन जो होती है उसमें कमी आ जाती है, न्यूरो की प्रॉब्लम में अल्जाइमर, डिमेंशिया, पीडी, पार्किंसोनिज्म डिजीज, अस्थमा, फेफड़े की बीमारी और अन्य गंभीर आपका डीजनरेसो बीमारियों के खतरे में कम होने में हो जाती है, कई गंभीर क्षयकारी बीमारियों के इलाज में आसानी हो जाती है अगर आप पोषक तत्व अतिरिक्त एक्स्ट्रा पोषक तत्व लेते हैं। पर्याप्त व्यायाम कार्यक्रम और पौष्टिक भोजन के साथ पोषक तत्व लेने वाले मरीज अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और उच्च कोलेस्ट्रॉल को इतना नियंत्रित कर लेते हैं कि वे दवाई लेना छोड़ भी सकते हैं। चिकित्सा साइंस इस बात की पुष्टि करता है। सभी डॉक्टर इस बात से सहमत होते हैं कि मरीज को ऐसी गंभीर बीमारी के लिए दवाई देने से पहले उनकी लाइफस्टाइल सुधार देनी चाहिए जिससे दवा बहुत अच्छा तरीके से काम कर सकती है। अधिकतर डॉक्टर पर्चा लिखते समय मरीजों की जीवन शैली बदलने की सलाह भी देते हैं, बहुत कम देते हैं, लेकिन देते भी हैं तो काउंसलिंग नहीं करते हैं, इसी वजह से मरीज बात को मानता नहीं है, मानता भी है तो जिसमें से बहुत 50% होते हैं जो मान लेते हैं, 50% होते हैं जो नहीं मानते हैं। समान तौर पर डॉक्टर यह मानकर चलते हैं कि अधिकतर मरीज अपनी जीवन शैली कभी नहीं बदलेंगे और उनका यही सही इलाज सिर्फ दवाइयां द्वारा ही संभव होता है। किसी डॉक्टर को मरीज में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या उच्च कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चलता है तो वह सीधे दवाइयां लिखना शुरू करता है, उसकी जीवन शैली के बारे में नहीं बताता है कि प्लीज आप अपनी थोड़ी सी जीवन शैली बदल लें तो आपकी इन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, या जिस लेवल पे है वो उतनी लेवल पे दवाइयां मेंटेन कर सकती हैं और उसके आगे की दिक्कत, आपको लाइफ स्टाइल अगर चेंज कर लेंगे तो उसके दिक्कत कम हो जाती है। अब अगर किसी मरीज का 100 केजी का बॉडी वेट है तो मल्टीपल उसको नी की प्रॉब्लम हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, थायराइड भी हो सकती है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं, तो प्लीज आप लोग अपना पोषक तत्वों पर आप अपना ध्यान दीजिए, लो फैट हाई प्रोटीन वगैरह आपको लेना है, विटामिन, मल्टी विटामिन वगैरह लेना है आपको, हाई फाइबर डाइट लेनी है जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने दिन भर की चीजों में और फिजिकल और मेंटल एग्जर्शन जो रहता है उससे आपको काफी हद तक आराम मिल सकता है। तो दोस्तों, न्यूट्रिशन संबंधी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9305858930 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और कोई अपनी जिज्ञासा कोई पूछ सकते हैं, जो भी आपको न्यूट्रिशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, पूरी काउंसलिंग आपको करूंगा डाइट संबंधी। और आगे के वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि
ब्लड ग्रुप डाइट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ब्लड ग्रुप आपका होता है उसके अनुसार आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उसके अनुसार आप जो खाते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ब्लड ग्रुप डाइट बहुत ही अच्छी तरीके की, एक डॉक्टर सर थे, उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च किया है, उनकी एक बुक आती है उसको आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लड ग्रुप के अनुसार, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ के अनुसार आपको क्या खाना चाहिए, क्या आपके लिए उचित रहेगा, क्या आपको नहीं खाना चाहिए और क्या आप न्यूट्रल कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे के वीडियो में मैं आपको ब्लड ग्रुप डाइट के बारे में पूरा जानकारी दूंगा, इसके लिए आप तैयार रहिए, मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आगे की वीडियो में मैं आपको रेगुलर आऊंगा और इस तरह से जानकारी दूंगा कि दवाई तो खाना ही है लेकिन दवाई के साथ साथ अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल, योगा व्यायाम और अगर हम अपना न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक कर लें कभी भी हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। हमारा मोटो है मरीज को ठीक करना फिजिकल तरीके से, मेंटल तरीके से, सोशल तरीके से। मरीज ठीक हो जाता है, मरीज को पॉजिटिव थिंकिंग देना होता है जिससे मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। क्योर की श्रेणी में ये चीज आती है। सप्रेशन नहीं करना है, पेलिएशन नहीं करना है, बीमारी का क्योर करना है, मैनेज करना है मरीजों का। तो दोस्तों नमस्कार।